गोपी जी, मेरी पीठ में मोच आ गई है, प्लीज जरा मसाज कर दो। जी गोपी जी, यहां पे दर्द हो रहा। नहीं, थोड़ा नीचे। समझती हूँ, मेरी पोतर बहू से फुर्सत मिले तब ना। लगन से पहले तो तू खूब कहता फिरता था कि तू ही अपने दादाजी का पुनर्जन्म है, और इसीलिए जन को करके मेरे पीछे लगा रहता था, और आवे तो पूछ तो पड़ न थी। अच्छा, तो मेरी दूसरी बीवी से जलन हो रही है तुझे? तेरी तो मैं अच्छी सी खबर लूंगी। आज रामनवमी छे, आज अगर तुझसे कुछ मांगू तो देगा? वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, आप कहकर तो देखिए। चल, अभी तूने मुझे बा बोल दिया तो मुझे भी याद आ गया कि मैं तेरी दादी हूँ। तब मुझे ये बता कि तू मुझे दादी से परदादी कब बनाने वाला है? हा? अरे आहम, जीबा जो दिख रहा। मैं अभी अभी जिगर को कह रही थी कि तुम मुझे जल्दी से पर लगा दो, दादी से परदादी बनो। तो बेटा, यही बात मैं तुमसे भी कहती हूँ। मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा, एक पड़पोतर डावा हाथमा अने बीजो जमणा हाथमा। किंजल, दरवाजा खोल। फाई, मैं बिजी हूँ, आप दरवाजा खोल दीजिए। आप ही खोल दीजिए ना, मैं बिजी हूं। चूचे, कपड़े किधर है? किंजल बहन कहाँ है? अरे नाना, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो साक्षात देवी माँ है। देवी माँ? हाँ, बताओ ना भाभी, आपकी बहू कहाँ है? कृतिका बहन, ये कृतिका बहन है और ये इनकी दीकरी हिरल। इसकी अभी तक लगन नहीं हुई है। तो हूँ शु करूँ, मेरे घर में कोई दीकरा नहीं है, और वैसे भी एक धवल था, उसकी भी तो शादी हो गई है। अरे नाना भाभी, वैसी कोई बात नहीं है, आपकी बहू देवी है। देवी उसमें बहुत शक्ति है, अलौकिक शक्तियाँ। वो अपना आशीर्वाद एक बार हिरल को दे देंगी तो इसका लगन नक्की हो जाएगा। के अंदर शक्तियां, अलौकिक शक्ति।